रातों को अक्सर नींद नहीं आती, खौफ आता है, लेकिन फिर सोचते हैं ये लाइफ तो अल्लाह ने दी है, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने माना था मेरे बच्चे की जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, जिसके हाथ में है उसकी इमानत है, जब तक है अल्लाह की मेहरबानी, जब नहीं होगी तब भी अल्लाह की मेहरबानी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बेबस हूं, लेकिन मैं इस माफिया के खिलाफ चुप नहीं करूंगा। छह नाम मैंने लिख के दे दिए हैं पुलिस थाने में भी, जिनको मैं जानता हूं जो ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो 30-40 नंबर जो पिछले एक महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज को 20-30 कॉलें आती है, कहते हैं मुंह बंद करोगे हम बंद कराए, मैं कहा मैं मुंह नहीं बंद करूंगा, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। उसके बाद वो ये सब मेरे मोबाइल नंबर मौजूद है, कोई भी एजेंसी चेक कर सकती है कितनी कॉल आ रही है, रिकॉर्डिंग में क्या उन्होंने धमकियां दी, व्हाट्सएप ग्रुप पेपर से लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप उसमें आता है फायर करेंगे तुम्हारे सीने में लगेगा, वो मैं कह सर को हाथ पे गोली मार देना पांव पे मार देना, कहता नहीं तेरे सीने पे गोली मारे। इन छह लोगों के नाम मैंने लिख के दिए हैं और वो सारे लोग जो कॉल कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है मेरे फोन में, कोई भी एजेंसी निकाल सकती, लेकिन जाने से पहले ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। 50 साल से ऊपर उम्र हो गई, कितना रह लगा 10-20 साल, एक रात तो कब्र में आनी, कोई खुश नहीं है मुझसे, मतलब इन हरकतों से मेरा दोस्त खुश नहीं है, मेरे घर वाले खुश नहीं है, मेरे वाले साहब नाराज है, मेरे इन-लॉज नाराज है, लेकिन बस बहुत हो गई है, सर नहीं चुकाया जाता, बहुत सर चुका दिया, बहुत सर चुका दिया। इस माफिया के खिलाफ हम में से किसी ने आवाज उठानी, मैं अपने स्टूडेंट्स को मना, हर कोई कहता सलाम आएंगे, मैं सामने ना होगी साइड पर आप नहीं चुप रहा जाता, बहुत हो गई, ये रजिस्टर करते हैं करें, ये धमकियां देते हैं जान से मारने की दें, लेकिन ये चीजें उनके खिलाफ किसी ने बात करनी है, उसकी वजह क्या है, हमारी नस्ल नफरत करने लग गई है जगह से, वो जिस तरह कहते थे ना लोग कहते आपके बेटे को इंजीनियर बनाएंगे डॉक्टर बनाएंगे, अभी वो कहते हैं अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाते हैं कंप्यूटर साइंस में भेज देते हैं, एक वक्त आ जाएगा चेयरमैन साहब ने बल्कि कॉन्फ्रेंस में परसों कहा कि अब तो इंजीनियर को रिश्ते नहीं मिलने बंद हो गए, इंजीनियर खुद भी भूखा मरेगा भाई बेटी को भी भूखा मारेगा, वक्त आ जाएगा कि जब माँ बाप अपने बच्चे को कहेंगे अगर बदतमीजी की तो इंजीनियर बना दो, ये हो रहा है इंजीनियरिंग के साथ इस मुल्क में, ये आप इंजीनियरिंग का रिकॉर्ड ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का डेटा है जी, इसको देखिएगा 2018 तक 27,483 ये बढ़ते जा रहे थे इंजीनियर 27,483 ये इंजीनियर की इंडक्शन थी पूरे पाकिस्तान में, पिछले साल ये 10,000 रुपए आ गए। इस साल का डेटा आपको बता दूं केपी के पूरे से अभी तक वहां का टेस्ट हुआ है 20,000 बच्चे अप्लाई करते थे, 3,350 ने अप्लाई किया है और 3,350 में से टोटल 500 पास हुए, तो पूरे पाकिस्तान में 1,000-2,000 इंजीनियर रह जाएगा, ये मुल्क को हम तरक्की देने चले, ये इंटरनेशनल डेटा है, मैंने नहीं बनाया हुआ जी, ये इंटरनेशनल फोरम है जी यूएन की, 1.6 मिलियन लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, और ये इसलिए जा चुके हैं क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस थोड़ा स्लो है, अगर वो जल्दी अभी पासपोर्ट बना दे तो 160 मिलियन भी हो जाएगा, 1600 मिलियन भी हो जाएगा, हम क्या चाह रहे हैं सब छोड़ के बाद जे। अब हम आते हैं जी एनुअल रिपोर्ट की तरफ, ये एनुअल रिपोर्ट है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की, मैंने नहीं बनाई, ये 25,000 फॉर्म 1,00,000 रजिस्टर्ड है, 25,000 के करीब तकरीबन अभी एक्टिव है जो पैसे लेती है, वो भी 4-5 लाख ये फीस होती है उसमें भी कहा गया कि 4-5 लाख मुझे पता है किसकी 4 लाख है किसी की 2 लाख है किसी की 1 लाख है, लेकिन ये तो 43,000 फॉरेन फर्म्स हैं, इनसे भी तो 24,000 यूएस डॉलर लेते हैं हम सालाना, 12,000 यूएस डॉलर लेते हैं सालाना, वो किधर गए, उस सबको एवरेज आउट करें समझ आ जाए कि मैं कोई स्पेसिफिक डेटा की बजाय सिर्फ इनके डेटा को डिस्कस कर रहा हूँ। ये इनका फंड है जो मुख्य जगह से इकट्ठा करते हैं 2-2 लाख फंड जो इन्होंने शो किया, मैं कहता हूँ एजीपी से ऑडिट होना चाहिए, बुरा लगता है फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, बुरा लगता है ऑडिट नहीं होगा पहला रेज नहीं होंगे मसले नहीं आने होंगे, इस बात पे भी रजिस्टर किया गया तुमने बात क्यों की, कोई बात नहीं उनकी मर्जी, आवाज उठाना मेरा हक है बाकी उनकी मर्जी, ये 13 अरब इस वक्त अकाउंट में ये बचा खुचा पड़ा हुआ है जो खर्च हुआ है उसके बाद का, ये 2023 का रिकॉर्ड है, 10 अरब पड़ा हुआ जी बैंक में रखने के लिए सूद इकट्ठा करने के लिए। ये जो मैं 5 स्टार की बातें करता हूँ इसके हवाले से चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं लोगों को बुलाता था कराची से कोटा से पिशावर से और रूल्स के मुताबिक और वो फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है तो उनको वो डेली अलाउंस और होटल का वो मिलता था, तो ये तो मैं कहता था होटलों में स्टे करके कहते झूठ बोल रहे हैं, साहब कुछ कह रहे हैं मैं बुलाता था कि ये भी मिलता था, बात हुई 5 करोड़ की बोला, मैंने उसकी लाइव टीवी पे आके माफी मांगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई इतना ज्यादा टीवी नहीं लेता, मुझे करोड़ों कहना चाहिए था या ओवरऑल करोड़ों कहना चाहिए था, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी इसका डेटा कर लें। अब इन्होंने उसमें क्या कहा
कि 56 मिलियन 3 साल में खर्च हुआ पूरी जिंदगी में उनके डेली लॉन्च के चक्कर में, और 46 मिलियन खर्च हुआ है, 44 मिलियन उन्होंने कहा, उन्होंने डेटा दिया मीडिया को दिखाया कि 44 मिलियन खर्च हुआ है ट्रैवलिंग में और 24 मिलियन खर्च हुआ है इनके होटलों के स्टे, ये टोटल बनता है 120 मिलियन। अब इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में सिर्फ कन्वेंस अलाउंस 120 मिलियन है, ये एक साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट, मैं कुछ नहीं बोल रहा, डेटा बोल रहा, मैं इंजीनियर होगा अकाउंट्स को भी समझता, हो सकता है मुझसे गलती होगी।